ये करती हैं, जैसे प्रॉपर्टी डीलर्स को, कार डीलर्स को, बाइक डीलर्स को, आपके पास आपने देखा होगा आपकी जीमेल पे खामे खा की वो आ रही होती हैं मेल, क्या आप खरीदना पसंद करेंगे कार 20,000 रुपये से शुरू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल बिट्टू फोन में। आज के वीडियो में जानने वाले हैं, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए कुछ बातें आपको बता देता हूँ। बहुत सारे बंदे आज के टाइम पे पागल बन रहे हैं शॉर्ट वीडियो देख देख के और अपना नुकसान कर बैठते हैं, उसके बाद भाई वो शॉर्ट वाले कोई मदद थोड़ी करेंगे आपकी। देखिए मैं बताता हूँ आज मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। भाई आपने शॉर्ट वीडियो बहुत सारे देखे होंगे, आपको बताया जाता है कि ये 3 ऐप आपके बहुत काम आएंगी, इन ऐप को जल्दी से डाउनलोड कीजिए और इनसे ये काम कर लीजिए, वो काम कर लीजिए, 3 AI टूल ये बहुत काम आने वाले हैं आपके। ये जितनी ऐप्स हैं ना भाई, बाहर की ऐप होती हैं, इन पे मत भरोसा किया करो। मैं बताता हूँ, देखो सिंपल, मैं अपनी दुकान पे बैठा हूँ, मैं छोटी सी दुकान है, यही मेरा सर्विस सेंटर है। यहाँ पर मैं डेली ऐसी परेशानियाँ देखता हूँ कस्टमर की, जो कस्टमर मेरे पास लेकर आते रहते हैं। देखिए क्या परेशानी होती है, कई बार बंदे क्या करते हैं अपनी जीमेल आईडी को लॉगिन कर देते हैं। ये शॉर्ट वीडियो पे जो बताते हैं ना कि एकदम फ्री टूल है आप बिल्कुल यूज़ कीजिए, भाई वो फ्री टूल है ना, साइन अप मांगते हैं और उस साइन अप को जब आप कर देते हो ना, साइन अप करने के बाद वो जो जीमेल आईडी होती है, आप ध्यान देना, आपने अपने बैंक अकाउंट में भी वही दे रखी है, ठीक है, आपने अपने राशन कार्ड में भी वही दे रखी है, अपना आधार कार्ड बनाने के लिए वो आईडी दे रखी है, अपने गवर्नमेंट जो दस्तावेज होते हैं उनमें आपने वो आईडिया डाल रखी है और वही आईडिया आप वहाँ डाल देते हो बिना सोचे समझे, खामखा किसी की बातों में आके शॉर्ट वीडियो देखकर कि यहाँ पे AI2 मिल रहा है, ओ करो साइन अप और फ़ौरन करो काम, और वो आगे जाके फंसा देते हैं आपको, कहीं एक जगह रुक जाएंगे कि भाई अब पैसे चाहिए, $10 $15 इतना करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। फिर आप क्या करते हैं, कहे छोड़ यार, मगर भाई आपने अपनी आईडी का एक्सेस दे दिया, अब वो चाहे तो उस आपकी आईडी को डार्क वेब पे डाल सकते हैं। भाई डार्क वेब के बारे में कभी सोचना भी मत, उस पर कभी भी अपनी आईडी गलती से भी लॉगिन मत कर देना। हम एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं भाई, हमने काफ़ी लोगों को परेशान होते देखा, काफ़ी केस देखे हैं भाई, हमारे पास पुलिस वाले भी आते रहते हैं इस चीज़ के चक्कर में कि भाई ये आईडी यहाँ से डली थी, इस बंदे ने डाली थी, इसकी हेल्प कर दो। तो ये चीज़ें हम देखते रहते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि हम मोबाइल रिपेयर करते हैं ना। सिंपल सी बात है, मैं यहाँ घर पे बैठ कर तो वीडियो बना नहीं रहा, मैं सिर्फ आपको ये इस चीज़ से जागरूक करना चाहता हूँ कि भाई कभी भी आप अपनी जीमेल आईडी जो आपकी आपने सरकारी दस्तावेज में डाल रखी है ना, वो मत डाला करो, नई आईडी बना लिया करो भाई, इसका सोल्यूशन ये है बस, आपको नई आईडी बना लो। ये शॉर्ट वीडियो आप देखो, कोई बात नहीं यार, देखो अच्छी होती है, किसी को वो नहीं कर रहा, रोस्ट नहीं कर रहा भाई मैं किसी को इस वीडियो में, मैं कह रहा हूँ जितने भी बंदे अपने क्रिएटर होते हैं ना, कई बार क्या होता है वो व्यूज़ के चक्कर में ऐसे ही खामखा वेले बैठे होते हैं और गूगल पर सर्च मार के साइट छानते रहते हैं, अरे ये वाले हाँ 3 साइट ये बता दो, आज 5 ये बता दूँगा, कल वो बता दूँगा, तो वो क्या करते हैं, वो तो बता देते हैं मगर वो खुद यूज़ नहीं करते, वो आपको बताएंगे बस कि उनके व्यूज़ आ जाएंगे बस। तो आप क्या करते हैं उन पे भाई फ़ौरन बिना सोचे समझे साइन अप कर लेते हैं, तो भाई ऐसा ना करें। देखिए आपको एक चीज़ की है ना जानकारी देना चाहूँगा कि जब भी आप कोई साइट पे जाकर अपनी जीमेल आईडी लॉगिन करेंगे ना, तो वहाँ पे एक चीज़ वो वापस भेजते हैं आपके स्क्रीन पे आता है लिख के कि कुकीज़ अलाउ और डिनाई, दो चीज़ लिख के आती है ना, आप अलाउ कर दोगे उसको। कुकीज़ का मतलब ये होता है कि हम आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर का एक्सेस लेना चाहते हैं, आपके डाटा को चेक करना चाहते हैं, आपके डाटा के अंदर घुसना चाहते हैं, सिंपल सी देसी भाषा में समझा रहा हूँ। वो कहते हैं कि भाई आप अपने फ़ोन का एक्सेस हमको देना चाहते हो, आप कह देते हो अलाउ, अलाउ का मतलब होता है हाँ, तो मतलब कबूल है तो आप उसको कबूल कर लेते हो और भाई आप वो घुस जाते हैं आपके फ़ोन के अंदर, आपके फ़ोन के अंदर का सारा डाटा खंगाल लेंगे, कैसी भी वीडियो आपके फ़ोन के अंदर पड़ी हो उनको सब पता चल जाता है, उनकी साइट पे पड़ी रहेंगी और वो सेव हो जाती हैं, कुकीज़ जाके सेव होती हैं। भाई कुकीज़ के बारे में बहुत सारे बंदे नहीं जानते, एक दिन है ना डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा जब समझ में आएगी, फिलहाल के लिए तो यही समझ जाओ कि भाई कभी भी है ना आप किसी भी साइट पर लॉगिन मत किया करो जब तक उसके बारे में आपको नॉलेज ना हो। और ये शॉर्ट वीडियो देख देख के ना 10 बार सोचा करो कि हाँ ये साइट देखने में तो अच्छी लग रही है, और बहुत सारे बंदे कहते हैं कि भाई पैसे कमाओ घर में बैठ के, आपके $10 एक दिन के बन जाएंगे, $30 एक दिन के बन जाएंगे, बस इस साइट पर आपको साइनअप करना, आपको इमेज बनानी, ये बनाना। भाई ऐसे कोई हलवा नहीं बट रहा, ये ऐसा कुछ नहीं होता भाई, इन चक्करों में बहुत सारे बंदे परेशान होते हैं और फिर आते हैं फ़ोन का सत्यानाश कराए बैठते हैं, फ़ोन एक तो हैंग होने लगेंगे। देखो कहीं ना ये फ़ोन वाली कंपनियां भी एक गेम खेलती हैं मार्केट में, ठीक है, देखिए इसको समझने की है ना कोशिश इस तरीके से करते हैं, जैसे कि एंटीवायरस बनाने वाली कोई कंपनी है ना, तो भाई वायरस भी वही बनाते हैं, क्योंकि जब तक वायरस नहीं आएगा उनका एंटीवायरस बिकेगा कहाँ से। तो यही चीज़ें इसमें भी लागू होते हैं भाई, ये फ़ोन वाले भी ऐसे ही काम करते हैं, ऐसी ऐसी ऐप दे देंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कि रूट, ये रूट किसने निकाला भाई मुझे तो पता नहीं किसने निकाला, मगर आई होप कि ये है ना मोबाइल कंपनियों ने निकाला होगा, और रूट
आप अगर अपने फ़ोन को एक बार कर देते हो ना किसी भी एप्लीकेशन को चलाने के लिए, जैसे कोई चोरी की एप्लीकेशन चलानी है या रूट करने से कई चीज़ें होती है, जैसे वाईफाई का पासवर्ड पता करना, पहले अपने फ़ोन को रूट करो, ऐसे ऐसे होता है ना बेवकूफ़ बनाना, तो रूट करने से क्या होता है और आपकी कंपनी के जो गारंटी होते हैं गारंटी वारंटी वो हट जाती है। ये जितनी भी कंपनियां वाले होते हैं ना सारे अपने इंस्ट्रक्शन मैनुअल में मेंशन करके रखते हैं कि अगर आपने अपना फ़ोन रूट कर दिया ना तो हमारी कोई गारंटी नहीं है, फिर हमारे यहाँ गारंटी में सेट नहीं कहलाएगा, ये विदाउट आउट ऑफ वारंटी हो जाएगा, वो ये कहते हैं। ठीक है, और ये रूट भी यही बनवाते हैं कि बंदर लालच में आके, आजकल भैया देखे इंसान तो लालची है कोई भी हो, चाहे किसी को भी कह लीजिए आप, मुझे भी कह लीजिए कि लालची है इंसान, वो छोटी सी चीज़ देखता है इंटरनेट पे कि यार लग रहा है ये ऐप अगर डाउनलोड कर लूँगा तो $5-6 मिल जाएंगे एक दिन के, इतना ये खुद कमा रहे हैं यार ये बताने वाले, तो वो कमा नहीं रहे होते, वो बेकू बनाते हैं आपको दिखा के, इतना पैसा नहीं होता भाई, वो दिखा दिखा के फिर उनके पैसे बढ़ते हैं। चलिए कि इसके बारे में कभी मैं आपके सामने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, मगर फिलहाल के लिए आप इतना समझ जाइए अपने जो जीमेल आईडी होती है, जो आप सरकारी दस्तावेज में या फिर स्कूल में या फिर कॉलेज में आप जो डाल के रखते हो ना जीमेल आईडी, भाई उसको बिल्कुल भी कहीं भी यूज़ मत किया करो, किसी भी ऐप पर उसको बिल्कुल सेफ रखिएगा, वरना जब जीमेल आईडी हैक हो जाएगी ना तो उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट उनके पास पहुँच जाएंगे फौरन और आप आ जाओगे परेशानी में। एक चीज़ और, इससे एक प्रॉब्लम और आती है इसी वीडियो में समझ लीजिए, अगर आप किसी को जीमेल आईडी वगैरह ऐसे ही दे देते हो ना तो ये क्या करती हैं, ये सेल करती हैं आपकी जीमेल आईडियों को। कैसे ये करेंगी, ये करती हैं जैसे प्रॉपर्टी डीलर्स को, कार डीलर्स को, बाइक डीलर्स को, आपके पास आपने देखा होगा आपकी जीमेल पे खामे खा के वो आ रही होती हैं मेल, क्या आप खरीदना पसंद करेंगे कार ₹20,000 से शुरू, क्या आप खरीदना पसंद करेंगे बाइक ₹10,000 से शुरू, ऐसी ऐसी जीमेल आईडी के आप प्रॉपर्टी ले लीजिए यहाँ पर 2,200,000 करोड़ में, फ़ोन आने लगेंगे आपके पास, जीमेल आईडी से फ़ोन नंबर भी निकल जाता है भाई, आपके पास फ़ोन भी आने लगेंगे, फिर फ़ोन के अंदर भी मैसेज आने लगेंगे। तो ऐसी परेशानियों से बचने के लिए सबसे अच्छा मैं ये बता रहा हूँ भाई, जीमेल आईडी मत लॉगिन किया करो, मैंने बहुत बंदों को फंसते देखा है इन चक्करों में। अपनी जो जीमेल आईडी होती है मेन, उसे संभाल के रखिए, और ऐसी साइटों पर है ना, जैसे ही आप किसी नई साइट पर लॉगिन करते हैं, साइन अप करते हैं, तो नई आईडी बना के किया करो। ठीक है, नई आइडियाँ कितनी भी बना लो यार, कोई मना नहीं है गूगल की तरफ से, अगर उन्हें यूज़ ना करें ना तो वो गूगल डिलीट मारेगा, वरना आपके खाते में पड़ी रहेंगी वो वाली आइडियाँ। ठीक है, तो आप नई आइडियों से कीजिएगा, और सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए मैंने आपसे कुछ बातें की हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी बातें पसंद आई होंगी और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, तो इस बहुत सतर्क रहिएगा इस चीज़ से, आजकल बहुत स्कैम चल रहे हैं भाई, आपके साथ हुआ नहीं है ना तो इसका मतलब ये नहीं कि स्कैम नहीं हो रहे मार्केट में, स्कैम बहुत हो रहे हैं भाई, जिस बंदे के पास होते हैं ना उसे कौन जानता है, वो सीधा थाने में या तो पड़ा रहता है, रोज़ का उसका चक्कर मारना होता है कि भाई आज मेरे पैसे आ जाएंगे, कल पैसे आ जाएंगे जो किसी ने उड़ा लिए थे, तो इन चक्करों में फिर आप ना फंसो, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आई होप कि आपको ये आज की वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आई होगी, अगर आपको काम की लगी हो थोड़ी सी भी मेरी बातें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर लेना, ताकि अगली वीडियो जैसे ही आए आपके समक्ष आपके सामने पेश हो जाए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।